हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू द स्टूडियो ऑफ ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक दिन पहले अगर हमें किसी स्टॉक को एनालाइज करना है तो उसको हम किस तरह से एनालाइज करेंगे एंड किस तरह से हम हायर टाइम फ्रेम पर मार्किंग्स करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर आप इसे कुछ सीखते हैं तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एंड वेलकम टू द क्लासरूम सेशन। अच्छा टीसीएस देखिए, अभी इस वक्त जो हमको दिख रहा है कि इसकी जो ट्रेवल करने की जगह है वो अपने लाइफ टाइम हाई के पास में ट्रेड कर, है ना, इसको मार्क कर लिया एंड इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये दो रेंज अपनी बन गई, ट्रेड कर देते हैं इसको। अभी हमने क्या मार्क किया इसके ऊपर, अपना लाइफ टाइम हाई मार्क कर लिया और इस वाले स्विंग के बाद में हाईज लोज लो अगेन, ये वाला लो और हाई लो हाई, ये एक पॉइंट लगा था मेरा इस हाई के बाद में एक ये लो। देखिए प्राइस ने क्या किया है, ये डायरेक्ट नीचे नहीं गिरा, पहले इसका मूव अप साइड की तरफ हुआ है और फिर ये प्राइस हमारा नीचे की दिशा में गिर गया। जब हम आपसे ये कह रहे हैं कि प्राइस मेरा डायरेक्ट नहीं गिरा है, यानी कि अगर इसको नीचे ही जाना था तो ये ऊपर क्या करने गया, अगर इसको ऊपर ही जाना था तो ऊपर चला जाता ना, फिर ये नीचे क्या करने आ गया, कोई भी काम ये ऊपर क्या करने चला गया और नीचे क्या करने आ गया। इन लाइंस का यूज हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि जब प्राइस को एनालाइज आप करो तो आपके मन में एक क्वेश्चन रहना चाहिए, व्हाई। एक छोटी सी भी लाइन अगर आपने पुट की है किसी भी एक कैंडल को लेकर के, तो उसके पुटअप करने के बाद में एक क्वेश्चन आपके मन में हमेशा आना चाहिए, व्हाई, क्यों। जब आप क्यों पूछोगे तो इस क्यों के क्यों क्वेश्चन के पीछे के रीजन ये होते हैं क्योंकि आपको इस क्यों का आंसर मिलने की उम्मीद रहती है। वो आंसर सही है या गलत, आंसर से ज्यादा जरूरी होता है क्यों का उठना। जब सवाल पूछोगे तो आपको धीरे धीरे करके, शुरुआत में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे आपसे कि आपको सही आंसर्स मिलेंगे, लेकिन गलत आंसर से आप शुरू कर सकते हो। जब वाई पूछोगे तो पहले गलत सवाल आएंगे, गलत आंसर आएंगे इसके, और गलत के बाद में धीरे 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 करके आप सही डायरेक्शन में पहुंच जाओ। आपका काम है एक दिन पहले या फिर रनिंग मार्केट के अंदर अपनी एनालिसिस कर देना, अब वो सही है या गलत इसको मार्केट के ऊपर छोड़ देना। जब हमने यहां पर आपसे कहा कि प्राइस को अगर वाकई में मान लीजिए अगर नीचे गिरना था ये नीचे ही चला था ना, ये ऊपर क्यों चला गया, ऊपर गया तो ऊपर से ऊपर निकल जाता, अगेन ये फिर नीचे क्यों आ गया। अच्छा नीचे आ जाने के बाद में प्राइस आपका इस रेंज से ही क्यों नीचे गया, इस वाले पॉइंट से। देखिए अगर हम इस वाले ये वाला लो मार्क कर लेते हैं अपना, तो प्राइस मेरा इस रेंज से ही क्यों ऊपर गया, ये नीचे वाली डिप लगाने से पहले पहले प्राइस के अंदर ये वाले जो सपोर्ट फॉर्म हुए थे हमारे इस कैंडल, हमारे लिए जो एक कैंडल इंपॉर्टेंट बन रही है वो 4th of October की कैंडल बन रही है। ये वाले ये जो हम शब्द यूज कर रहे हैं ना, आपको क्या करना है, पूरी तरह से फोकस्ड रहना है, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होकर के बात करना है। ये वाली नहीं, एकदम सिंपल एक कैंडल को मार्क कीजिए, उस कैंडल का हाई या लो, ओपन या क्लोज, क्या मार्क करता है। आगे चल करके एक प्रोजेक्ट आप लोगों को हम देंगे जिसके 1 week के बाद में आप लोगों को हमें क्वेश्चन करेंगे, आप बताइए डिविस लैब किस सेक्टर का स्टॉक है। ये तो सिंपल है, कोई भी बता देगा। कुछ एक क्वेश्चंस लाइक ऐसा कौन सा स्टॉक है जो कि 2 या 3 सेक्टर्स के अंदर खुद को प्रेजेंट करता है, कुछ इस तरह के सवाल। कौन सा स्टॉक किस सेक्टर का है, कुछ इस तरह के सवाल होंगे जो कि आगे की क्लास में आपको धीरे धीरे खुद ही ढूंढने, छोटे छोटे प्रोजेक्ट वर्क है जो कि कंप्लीट कर देंगे। ओके अब यहां पर देखिए हम फिर से अपने चार्ट पर आ जाते हैं, सिर्फ इस वाली रेंज को रीड करते हैं। प्राइस के अंदर एक ये लो लगा और लो के बाद में एक ये हाई लग गया। अभी हाई लगा देने के बाद में देखिए, क्योंकि मार्केट ने जो क्लोजिंग की थी वो इस रेंज पर की, लेकिन वापस देखिए इसकी ओपनिंग यहां पर हो गई और जिस दिन ये मार्केट नीचे की दिशा में गिरी है उसी दिन मार्केट ने अपना ये वाला लो ब्रेक कर दिया। अच्छा इससे क्या हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि इस कैंडल का यानी कि 4th of October की जो कैंडल है कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस हमारी ये कैंडल रख रही है, वरना इसी एक पॉइंट से 3707.45 से ही प्राइस अप गया है और जब नीचे की दिशा में गिरा है तो 3707 को ब्रेक करके ही नीचे गिरा है। 11th of October को प्राइस जब मेरा नीचे की दिशा में क्लोज कर देता है तो उसके बाद में प्राइस मेरा ऊपर नहीं जा पाया है, 11 के बाद में 12 को प्राइस सीधे नीचे की दिशा में गिर गया। रेजिस्टेंस क्या बना हमारा, एग्जैक्ट 3707.45।
हम 12th of October का हाई अगर देखते हैं तो 3707 पर लगा हुआ है, मान सकते हैं ना, एग्जैक्ट वही रेजिस्टेंस पॉइंट है हमारा। इससे हम लोगों ने क्या देखा है कि एक कैंडल जो कि 4th of October की है, कुछ ना कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंस अपना रख, मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगी 4th of October की। इसके बाद में ये जो प्राइस आपका नीचे की दिशा तक गया है यहाँ पर, अब जो एनालिसिस हम लोगों ने यहाँ पर की थी, क्या उसी को यहाँ पर हम दोहरा सकते हैं? 29th of October की ये वाली कैंडल है, जैसे कि यहाँ पर 4th of October का हमने लो मार्क किया था, वैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, 29th of October का लो मार्क करेंगे, बाकी जितनी भी रेंजेस है सबको हम डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए क्या क्या, 29th of October और 24th of October। ओके, छोटी सी चीज, छोटी मतलब ध्यान रखिएगा इसको, जब हम ये कह रहे हैं आपसे कि इस एक कैंडल का लो अगर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके प्राइस को ब्रेक किए बगैर प्राइस मेरा नीचे नहीं 4th of October, तो क्या 4th of October का हाई भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है? मार्क कर सकते हैं। और अगर 4th of October का हाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है तो क्या 29th of October का हाई भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है? मार्क कर लेते हैं, हमारा काम मार्क करने का है, हम मार्क कर लेते हैं। अब ये सही है या गलत ये मार्केट डिसाइड करेगी, बस हमको इतना मालूम है कि 29th of October की कैंडल एक इंपॉर्टेंट कैंडल बनती है। अगर 29th की कैंडल एक इंपॉर्टेंट कैंडल बनेगी तो 4th of October की कैंडल भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल का रोल प्ले करेगी, एक ब्लू लाइन हम इसके ऊपर देखते हैं। अब आगे चलते हैं, क्योंकि ये स्विंग्स है मेरे, हमने उनको बात कर लिया। अब देखिए प्राइस ने क्या किया है, अप साइड में जाने से पहले, मतलब ये तो प्राइस ऊपर चला गया, मैंने जाने दीजिए उसको, अप मूव दिखाने से पहले पहले प्राइस ने हमारा 29th of October के हाई को एज अ सपोर्ट रिएक्ट किया, और 29th of October का हाई जब प्राइस ने ब्रेक किया तो लो को प्रोटेक्ट किया गया, मतलब वापस प्राइस उस रेंज पर नहीं आया। क्या ये मेरा एक सपोर्ट जोन बन सकता है, जो कि हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा, 29th of October का लो मेरे लिए एक सपोर्ट बना, प्रोटेक्टेड एरिया है, प्राइस ने इसको रिट्रेस नहीं किया, यहां से सीधे ये अपसाइड की तरफ चला गया। और ये जो हमने रेंज अपनी मार्क की थी 4th of October, यहां पर प्राइस ने क्या किया, यहां भी देखिए सेम काम ही हुआ है, 4th of October का ये मेरा लो है ना, 4th of October का लो, जैसे ही प्राइस 4th of October का हाई ब्रेक कर देता है यहां पर लो प्रोटेक्ट होने लगता है, जिस तरह से 29th of October का लो मेरा प्रोटेक्ट हो रहा था, सेम उसी तरह से 4th of October का भी लो प्रोटेक्ट हो रहा है। आई थिंक क्लियर होगा ना, अपना ये जो लो है ये ब्लैक लाइन है, और जो हाई है ये ग्रीन वाली लाइन, ये वाली लाइन, एक बार हाई ब्रेक हो गया तो वापस से ये रेंज फिर से प्रोटेक्टेड है मेरे लिए, और अब ये बना है मेरा सपोर्ट। प्राइस को अब अगर नीचे की दिशा में जाना है तो उसको क्या करना होगा, एक सपोर्ट्स जितने भी हैं अपने इन्हें ब्रेक करना होगा। वो सपोर्ट कौन कौन से हैं जो कि अभी हम लोगों ने मार्क किए ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा कौन सा बन रहा है यहाँ पर, 29th of October की कैंडल, पूरा बियरिश मोमेंटम हो जाएगा जब प्राइस अपना 29th of October पर लो ब्रेक करते, 3707, 4th of October का लो ब्रेक हो जाएगा तब हम मान सकते हैं कि बुलिश बियरिश मूवमेंट इसके अंदर हो सकता है, जब तक प्राइस हमारा 3461 तक नहीं पहुंच जाता। ये हायर एनालिसिस है, हायर टाइम की माइन्यूट एनालिसिस पर आएंगे, तो जैसे कि हमने यहां पर कुछ एक स्विंग्स मार्क किए, इस रेंज पर भी कुछ ना कुछ स्विंग्स मार्क कर लेंगे, ये बात की बात। ओके, अच्छा यहां पर अभी हमने क्या देखा, सिर्फ उन्हीं कैंडल्स को हम मार्क करें जिन्होंने लो लगाया, अब क्यों उन कैंडल्स को मार्क कर सकते हैं जिन्होंने हाई लगाया हुआ है? यहां पर हाई किसने लगाया है, इस कैंडल ने, यहीं से प्राइस क्यों नीचे आया, अब जो क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे थे, वाई? अगर इस पॉइंट से प्राइस मेरा नीचे आया, यानी कि 398.90 से प्राइस अगर मेरा नीचे की दिशा में आया है, और ये इंपॉर्टेंट प्राइस है, यानी कि इस प्राइस को टच करते हुए जो सबसे पहली कैंडल मेरी बनी है वो 8th of October की कैंडल है,
अगर हम 8th of October का हाई मार्क कर रहे हैं तो क्या 8th of October का लो भी मार्क कर सकते हैं? चलिए मार्क कर लिए। अब देखते हैं यहां पर क्या हो। प्राइस जैसे ही अपने हाई पर जा रहा है, जैसे ही अपने हाई पर जा रहा है वहां से देखिए फिर से नीचे की दिशा में गिर गया। प्राइस 3900 से जिस दिन से टच हुआ है इसके अंदर देखिए क्या हम बोल सकते हैं कि यहां पर सेलिंग्स हमको ज्यादा शो हो रही है, मतलब प्राइस पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है, क्या इसको एक सेलिंग जोन मान सकते हैं? मतलब यहां पर भी अर्थ शो हो रहा है। जिस दिन से मार्केट आपके 3900 के ऊपर गई है देखिए सिर्फ एक हमको ग्रीन पॉजिटिव वे की कैंडल दिख रही है, बाकी 3 कैंडल्स हमको यहाँ पर सेलर्स की शो कर रही है। सेलर और बायर जैसा ऐसा कुछ नहीं है, बट ओवरऑल हम देख रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिविटी हमको दिख रही है कि प्राइस खुलता तो महंगा है लेकिन बंद होता है तो वो सस्ता हो जाता है, प्राइस ओपन होता है और नीचे गिर जाता है, प्राइस ओपन होता है और नीचे गिर जाता है। अगले दिन आप लोगों का काम होगा ये कल का, कल के बाद में पूरे वीक आप लोगों को टीसीएस को ऑब्जर्व करना है। इसके अलावा जो आपका मन हो 4-5 स्टॉक्स जो भी आप डेली देखते हो उनको एनालाइज कीजिएगा, लेकिन टीसीएस को इतनी अच्छी तरह से देखिएगा कि जितनी भी रेंजेस हमने ड्रॉ की है ये आपको याद हो जाए पूरी तरह। 3938 3737 3707 3461 3385 रेंज याद होनी चाहिए आपको। अपर लाइंस जितनी भी है आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है, लोअर्स सपोर्ट है, जो रेंजेस हमने ड्रॉ करते हैं। ये जो कैंडल मेरी फॉर्म हुई है 12th of January की कैंडल, आप लोग एक काम कीजिए बाइंग और सेलिंग ऐसा तो कुछ कोई करेगा नहीं अभी फिलहाल, कब तक? जब तक हम बोलेंगे नहीं। आप लोगों को मालूम है शुरुआत के जो 30 days है इसके बाद में हम लोग कोई ना कोई एक्शन लेंगे, कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, उससे पहले कोई नहीं, बिकॉज ट्रेड एग्जीक्यूशन से ज्यादा जरूरी कुछ काम है वो निपटाने हम लोगों को पहले। जैसे रीडिंग कर रहे ना पहले इस तरह से रीड करना शुरू करिए प्राइस को सभी लोगों के पास राइट से। बस क्या नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन ब्रेक नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी मैक्स अनम्यूट नहीं होना चाहिए। जो होमवर्क आप लोगों को दिया जाएगा हमें होमवर्क हमारे डेडलाइन से पहले पहले सबमिट चाहिए होता है, वरना नेक्स्ट क्लास से पहले हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एंट्री नहीं देते। कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं इनको फॉलो करना है। ये रूल्स क्यों बनाए हैं, ताकि थोड़ा बहुत जिस दिशा में हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं अच्छी तरह से और स्पीड्स बढ़े, क्योंकि कम समय होता है सफर ज्यादा लंबा है। प्राइस को अगर अपसाइड की तरफ जाना है तो कुछ एक रेंजेस हम ड्रॉ कर देंगे। जैसे प्राइस आपका 12th of January के ऊपर निकलेगा इसके अंदर एक बाइंग मोमेंटम आपको शो हो सकता है, और रेजिस्टेंस पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं आपके, ये वाले है ना, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं 3978, क्योंकि यहीं से प्राइस नीचे की दिशा में गिरा था और उसके पहले जो प्राइस हमारा गिरा है ये 3989 से गिरा है। क्योंकि जो लास्ट टाइम हमारा प्राइस नीचे की दिशा में गिरा था वो 3989 से गिरा था, और अभी जो प्राइस हमारा नीचे गिरा है वो 3978 से गिरा है, मतलब लोस डाउनसाइड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मार्केट अगर ऐसी ही चलती रही तो ये आपको देखिएगा नेक्स्ट वीक तक एक लाइफ टाइम हाई लगाते हुए दिख जाएगा। तो कोशिश करिएगा इसके अंदर एक बाइंग मोमेंटम आप लोगों को तलाश करना है, सिर्फ देखना है कुछ भी नहीं करना है, एक बाइंग मूव देखिएगा अगर प्राइस हमारा 3929 के ऊपर निकलता है। ओके चलिए आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। एक काम करते हैं इसका एक स्क्रीन शॉट लेकर के आपके चैनल पर हम पोस्ट कर देते हैं आपके जो ग्रुप है, इससे कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो एक स्क्रीन शॉट ले लेते हैं पहले। एक सेकेंड बस, हो गया परफेक्ट, सभी लोगों तक मार्किंग पहुंच चुकी है, ग्रुप देख लीजिएगा और मार्किंग समझ लीजिए। और अब आ जाते हैं जो हमारा सेकंड स्टेप था, इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अभी नेक्स्ट वीक में काम क्या करना है, किस तरह से काम हो, कुछ चैप्टर्स हैं अभी हमारे, मतलब ऑलमोस्ट जो भी कैंडल्स अभी मार्क हुई हैं, तो एज वी आर इनटू टेक्निकल एनालिसिस, तो जैसे ये इवेंट या डिविडेंड के नीचे मतलब मार्क्स हैं, तो मतलब ये बहुत जनरलाइज क्वेश्चन है, जब हम आगे भी अपना ये जो भी हमारा कोर्स है इसको हम एग्जीक्यूट होगा पूरा, तो क्या हमको इवेंट्स के ऊपर नजर बनाना जरूरी होता है किसी स्टॉक में? देखिए जिस दिन इवेंट हमारे चलेंगे, जिस भी दिन इवेंट्स वगैरह होते हैं, आपको इसका पूरा इफेक्ट कैंडल्स पर दिख जाएगा। और मेरा मानना थोड़ा दूसरा है कि इवेंट्स का जो असर है वो कैंडल्स के अंदर छुपा होता है। Okay, उसके अंदर कोई भी मूवमेंट होगा तो जिस दिन इवेंट है तो वो कैंडल आपकी दाएं बाएं नहीं भागेगी, भागेगी उस दिन वो ऊपर या नीचे। हमें जस्ट एक एनालिसिस ये करनी होती है वो किस रेंज से अप या डाउन हो सकता है। हाँ मूवमेंट हाई होते हैं तो क्या होता है कि वो खुलते ही वो 2 या 3% चली जाएगी,
जैसे क्या टाटा मोटर्स गया, खुलते ही उसने 5 कैंडल्स में वो सीधे ऊपर चलाए, ओके सर। इसमें क्या होगा कि आप एंट्री नहीं ले पाओगे, लेकिन इस केस में चला तो वो ऊपर से नीचे, तो दिक्कत ये आती है कि जिस दिन इवेंट्स होते हैं उस दिन आप या तो वो ट्रेड आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे या फिर वो आपके हाथ से भाग जाए। Okay, सिर्फ इतना ही फर्क होगा, आपकी रेंजेस ऊपर नीचे कहीं शिफ्ट नहीं। ओके सर। एंड सर मैं सेकंड क्वेश्चन इज कि लाइक अभी जैसे आपने टीसीएस दिया है और इसके जो प्रीवियस क्लासेस थी जो आपने कुछ पैटर्न्स बता रखे हैं, तो ये जो आपने रेंजेस अभी मार्क करके दी हैं, तो क्या हम लोअर टाइम फ्रेम पे उनको भी कंसीडर कर सकते हैं अपने ऑब्जर्वेशन के लिए इस सेम स्टॉक में, मतलब टीसीएस में? हाँ, सेम रेंजेस को आप लोअर टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं, सेम रेंजेस। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, ओके, क्लास को क्लोज करते हैं हम लोग यहीं पर, एंड कल के दिन हम लोग मिलते हैं। कोशिश कीजिए जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा आपको होगा। गुड नाइट सभी लोगों को, कल मिलते हैं। गुड इवनिंग सभी लोगों को, चलिए शुरू करते हैं। तो कल टीसीएस को हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज टीसीएस को किस किस ने ऑब्जर्व किया था लाइव मार्केट में जब मार्केट चल रही थी अपनी। कार्तिक आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर। जी बोलिए, क्या समझ में आया था आपको टीसीएस के अंदर आज? सर जो रेंज थी ये 3900 की नीचे गैप डाउन खुला इसके, और जब इसके ऊपर आया यहाँ रिटेस्ट दे के ऊपर गया, और वॉल्यूम भी आई जब इसको ब्रेक किया इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल को जो आपने बनाया था। एक रेंज को ब्रेकआउट करके वापस से प्राइस इसी सपोर्ट से नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंच गया। पहुंच गए। इसके बाद में ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। सही आ रही है? हाँ अभी क्लियर है, बोलिए। सर जो रेंज आपने बताया था कि इस जगह को अगर छोड़ती है, अगर इस जगह को तोड़ के ऊपर जाती है, जो प्राइस था 3929 का, हाँ मैं मेजरली मैं उसी पे ज्यादा फोकस रखे हुए था कि क्या इसको ये तोड़ने के बाद जैसा आपने बताया था कि बहुत तेजी से ऊपर जाएगी, आपने कहा था कि तेजी से ऊपर जाएगी और ठीक इस लेवल तक पहुंचने का कोशिश करेगी, मतलब अगली रेंज तक पहुंचने का प्रयास करेगी। 1 रुपया कम का हाई लगा है सर, और जो पिछला जो एक हाई था ना सर, 3 बार जो बना है ऊपर से नीचे की ओर, ओके, तो उसका सर उसके हाई से 1 रुपया कम रहा हाई अपना आज का, और मेजरली 3929 का जो जो आपने बताया था कि इसके ऊपर अगर ये निकलता है और फिर सपोर्ट लेता है तो फिर उसके बाद ये रॉकेट हो जाएगा, तो रॉकेट हो गई है। नितिन जी आवाज आ रही है, बोलिए। अपर रेंज और लोअर रेंज, और आपने बोला था कि अभी देखो कि डबल हाई भी बनाएंगे। ओके आई थिंक काफी, इतना आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी सिर्फ ये देखना था कि जो रेंजेस हम लोगों ने ड्रॉ की थी जिस पॉइंट से हम लोग बात कर रहे थे वहां तक प्राइस पहुंचता है या नहीं पहुंचता। अब देखिए 10th ऑफ जनवरी को ये वाला अपना एक हाई लगा था, ये रेजिस्टेंस पॉइंट, मतलब यहां तक मुश्किल है प्राइस का आना, हो सकता है इसके नीचे से ही प्राइस आपका गिर जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे पहले भी जो हाई लगा था, यहाँ पर देखिए 8th ऑफ अक्टूबर को जो हाई लगा था, 10th ऑफ जनवरी का हाई, इन दोनों में फर्क है और डाउन साइड की तरफ हाई शिफ्ट हुए, तो आज भी प्राइस नीचे ही रहने की उम्मीद थी, बट स्पाइक्स ज्यादा थी, प्राइस अप साइड की तरफ गया है, लेकिन क्लोज लास्ट में आकर के उसने नीचे में ही की है, क्लोजिंग डाउन साइड की तरफ ही हुई है। एक दिन पहले जब किसी भी तरह से आपको स्टॉक्स को देखना हो, मतलब एक दिन पहले किस तरह से एनालाइज करना है, एनालिसिस करने के लिए किस तरह से हमें रीडिंग करनी होगी,